नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज। सच में आप सभी का स्वागत है। चित्रकूट मऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत में माता पिता ने 24 वर्षीय युवक के ऊपर 4 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। जब बलात्कार बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी दरिंदा मौके से हुआ फरार। बच्ची को बिस्कुट दिलाने के बहाने आरोपी दरिंदा ले गया था, जिसमें संज्ञान में लेते हुए मऊ क्षेत्र अधिकारी शीतला प्रसाद के मार्गदर्शन में मऊ कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक कमलेश कुमार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार कर FIR दर्ज कर शुरू की कानूनी प्रक्रिया। घटना हुई आपके साथ? बच्ची खेल रही थी, आया दुकान ले जाने के लिए बुलाया। कहाँ से बुलाया? वही घर के पास से। तो क्या वो घर आता जाता था क्या? वो आता जाता था कभी कभी। हाँ। बुला के ले गया उधर फैक्ट्री की तरफ, उसके साथ गलत कर रहा, भाग गया। कितने साल की बच्ची है? 4 साल की। कौन है वो आपकी? हमारी लड़की। आपकी लड़की है वो? हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाग गया, ये बताने लग गया मम्मी से। अच्छा, लड़की को छोड़ के वहीं भाग गया कि घर में छोड़ के गया? घर नहीं छोड़ गया, भाग गया वहीं छोड़ के भाग गया। हाँ। फिर कैसे आप लोग को जानकारी हुई वहाँ? कैसे कोई मम्मी से बताने लगी, वो जो ढूंढने लगे हम। अच्छा, ढूंढते ढूंढते वहाँ लड़की के पास पहुँचे। रोने लगी तो फिर बताने लगी मम्मी से कि ऐसे ऐसे कर रहा था। अच्छा, लड़की बताई रो रो के कि मतलब इस तरह कर रहा था? देखे तो उसको पकड़े गए तो मिला नहीं। किसका नाम बताई लड़की? लड़की अखिलेश बताया। अखिलेश कहाँ का है ये? बताइए क्या घटना हुई थी और कब हुई थी? कल यही लमसम 1:30 बजे के बीच हम लोग घर पे बैठे थे। घर पे आया, आता जाता था लड़का, उसके बाद वो लोहा ले गया दुकान के खाने फैक्ट्री में। अच्छा, गलत काम किया और लड़की भाई के घर में बताई सब कुछ, उसके पास हम गए मिले नहीं, फिर एप्लीकेशन डाले। अच्छा, थाने में। तो फिर थाने वाले क्या करें? थाने वाले फिर अब घर भी ले जाएंगे, जाँच वो चल रही है। नाम तो खोले नहीं।